थ्रीजा चक और सेल्फ सेंटरिंग चक, ये वो जो ड्रिल मशीन के आगे लगा होता है स्मॉल साइज का चक होता है 1 to 13 मिलीमीटर, ये जो हमारे पास चक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये 6 इंच का चक है, इसके साथ चक की है टी शेप में आपको चक की नजर आ रही है, और एक्स्ट्रा इसके साथ 3 जार्स होते हैं जब आप मार्केट से इसको परचेज करते हैं। और इसी तरह का सेम स्मॉल साइज का चक होता है जो ड्रिल मशीन के आगे लगा होता है। सर चक्की का फंक्शन क्या होता है? चक्की का फंक्शन आपने ड्रिल मशीन देखी है सर, वो की यूज होती है लॉक और अनलॉक करने के लिए। जी ये जो चक्की का फंक्शन जी होता है कि आप यूनिवर्सल चक के अंदर वर्कपीस को लॉक और अनलॉक कर सके, ये उसके लिए चक्की यूज होती है। सर ये इसके जॉज को लूज और टाइट करने के लिए यूज होती जी, है ना? जी जॉज को लूज और टाइट करने के लिए यूज होती है। और ये जो होती है जो 3 जार चक होता है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सेल्फ सेंटरिंग चक होता है। आप वर्कपीस को इसमें रखते हैं किसी भी एक होल में, ये 3 होल्स होते हैं, ये जो यूनिवर्सल चक है इसके सर्कमफ्रेंस पे 3 होल्स होते हैं, किसी भी एक होल में आप चक्की को इंसर्ट करने के बाद आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो तीनों जार्स हैं ये इकट्ठे टाइट होंगे, आप लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं चक्की को, ये तीनों जो जार्स हैं ये इकट्ठे ही लूज होंगे, ठीक है। और इसी तरह 4 जार चक होता है, उसके ऊपर 4 जार होते हैं और हर जार के ऊपर एक होल होता है, जिस होल में आप की लगाएंगे सिर्फ वही जार क्लोज होगा, बाकी तीनों जो है मूव नहीं करेंगे, उसको 4 जार चक कहते हैं, वो इररेगुलर शेप्स के लिए आपको मैंने बताया यूज होता है। ये भी आपको मैं वीडियो सेंड करता हूँ वर्कपीस को होल्ड करते हुए लोकेट करते हुए, उसकी वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि चक की किस लिए यूज होती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, ये मैंने आपको दिखाया वर्कपीस है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये आपका डेप्थ ऑफ कट है। डेप्थ ऑफ कट मशीनों के ऊपर जो है वो आपके जो डायल्स हैं उनके ऊपर ये मौजूद है, आपने कितनी डेप्थ ऑफ कट एडजस्ट करनी है वो हम आपको बताएंगे, आपने 0.5 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा आपने डेप्थ ऑफ कट एडजस्ट नहीं करनी। ये देखें वर्कपीस के साथ कटिंग टूल की जो मूवमेंट है एरो शो कर रहा है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्कपीस है, इसका मतलब है वर्कपीस का जो डायमीटर है वो कम हो रहा है। ये ऑपरेशन कौन सा होगा? टर्निंग ऑपरेशन, रिडक्शन इन डायमीटर कॉल टर्निंग, ये टर्निंग ऑपरेशन है जिसमें कंटीन्यूअस वर्कपीस का जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, ठीक है। राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो यूनिवर्सल चक है, ठीक है, राइट साइड पे आप लोग देख रहे हैं डेड सेंटर है, डेड सेंटर लेंथ ही वर्कपीस को सपोर्ट करता है, अगर आप ये सपोर्ट हटा दें तो ये जो कटिंग टूल को आप जब फोर्स से वर्कपीस के साथ पुश करेंगे, ठीक है, हो सकता है जो वर्कपीस है उसका जो सेंटर है वो आउट हो जाए, वो अपने एक्सिस में परफेक्ट रोटेट ना करे, तो इसका मतलब जो आपकी सरफेस फिनिशिंग है वो क्लियर नहीं होगी। तो लेंथी वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए डेड सेंटर में यूज करना पड़ता है, ठीक है। साइज ऑफ लेथ मशीन, अब आपकी क्लास में से मैंने पहले पूछा था किसी स्टूडेंट ने ड्रिल मशीन यूज किया है या दीवार में होल किया है ड्रिल बिट से, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में स्टूडेंट ने कहा था हाँ जी सर किया है, तो प्लीज मुझे बताएं उस ड्रिल बिट का साइज क्या था। कि वैसे ही हार्डवेयर शॉप पे गए, उसको कहा जी वो दीवार में होल करना है तो ड्रिल दे दो, उसने ऐसे ड्रिल पकड़ाया हम लेके आ गए, ऐसे ही है सर। वो पूरी उस ड्रिल बिट लेंथ कह रहे हैं आप? जी जी, वो जो आपने ड्रिल बिट जिसको सर, वो तकरीबन मेरे ख्याल से कहते हैं 3 इंच का होता है शायद, या 2.5। यार उसकी नहीं बात सर, लेंथ की नहीं बात कर रहे, उसकी विड्थ की बात कर रहे हैं, उसका डायमीटर की बात कर रहे हैं। सर तकरीबन कोई 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर इस तरह का कोई सीन है? नहीं, जिसको आपने लाके आपने इसलिए यूज किया था, आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं जी मैंने ड्रिल मशीन यूज की थी। वो डिफरेंट दो दफा यूज की थी, एक दफा कील लगाने के लिए, एक दफा सरिये लगाने के लिए। सर ये लगाने के लिए बिल्कुल ठीक सर, उस बॉक्स में काफी मतलब कह लें कि लेंथ और उसकी आती है विड्थ की आती है, तो जो आम आपने कभी घर में ड्रिल बिट यूज किया हो कोई सर, मतलब स्क्रू लगाने के लिए कोई चीज हैंग करनी हो, हैंग करने के लिए कोई चीज हैंग करने के लिए आपने कोई चीज फिक्स की हो,
तो जो आम साइज का ड्रिल बिट आप वाल में यूज करते हैं कभी कोई सर, वो 1/16 इंच का नहीं होता? नहीं, वो 1/16 इंच का नहीं होता, आप तो बड़े उसके पास हैं यार, वो 1/4 इंच का होता है सर। 1/4 रखा इस पे 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 जी सर, 1/4 लिखा छोटे वाले पे इसके ऊपर सर, स्टील बिट के ऊपर, पैकेट के ऊपर। तो मैंने भी 1/4 ही कहा सर, वो साइज नहीं नजर आ रहा किधर लिखा है। साइज उसके शैंक के ऊपर लिखा है, वो पार्ट जो चेक के अंदर होल्ड होता है उस पार्ट का नेम है शैंक। उस शैंक के ऊपर देखें साइज लिखा होगा, उसका मेड भी लिखा होगा, ठीक है। जब आप ड्रिल बिट मार्केट से परचेज करने के लिए सर, एक एमएम से 10 एमएम करने है? जी आपको वही बताने लगा हूं, कुछ मार्केट में साइजेस अवेलेबल हैं 1 मिलीमीटर टू 13 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर तक नहीं होते, ये 13 मिलीमीटर तक होते हैं, हाफ इंच तक। और इनका सीक्वेंस क्या होता है, 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 12.5 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर, ये इनका सीक्वेंस होता है। और जो इनका मेड होगा वो 3 टाइप्स का मेड होगा। नंबर वन जो ब्रांड है, टॉप की जो ब्रांड है कंसिडर की जाती है डॉर्मर, नंबर टू प्रेस्टो इंग्लैंड, नंबर थ्री शेफील्ड इंग्लैंड। ये 3 टाइप्स के ड्रिल बिट आप यूनिवर्सिटी में जब हमारे पास मशीन लैब में आएंगे, सॉरी मशीन में नहीं, फिटिंग एंड फैब्रिकेशन लैब में, हमारी बताया होगा ऑफिस फुरकान साहब ने 4 लैब हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रिल बिट यूज करेंगे वो होंगे डॉर्मर के और शेफील्ड और प्रेस्टो के। ये 3 टाइप्स के जो ड्रिल बिट हैं ये आप यूज करेंगे, ठीक है। तो जो इनका साइज आप मार्केट में वैसे लेने के लिए जाएं तो हार्डवेयर शॉप पे आप जाकर उसको कहते हैं यार दीवार में होल करना, हमें ड्रिल बिट दे दो, वो आपको निकाल के पकड़ा देता है, उसका जो साइज है उसके ऊपर प्रिंटेड है, ठीक है, 1/4 इंच। इसी तरह आपकी क्लास में से काफी स्टूडेंट को इलम हो, आपने मैट्रिक एफएससी दोनों में रिवीजन की है वर्नियर कैलिपर की, ठीक है। जैसे वर्नियर कैलिपर अगर आपके पास नहीं है तो अभी मैंने आपकी क्लास में से पूछा ना लीस्ट काउंट क्या है, तो मुझे पता नहीं कितने ही आंसर आपकी क्लास में से मिलेंगे, ठीक है। 0.001 इंच, 0.001, ठीक है, 0.1, ठीक है। लेकिन जितने भी प्रेसिजन टूल्स हों उनकी तमाम की लीस्ट काउंट उनके ऊपर प्रिंटेड होती है, ठीक है। जो अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर नहीं है तो आपकी क्लास अभी मुझे जो भी आंसर देगी वो मुझे एक्सेप्ट हैं, सारे ओके हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके पास सामने आपके वर्नियर कैलिपर मौजूद हो तो आपने अपने अंदाजे लगा के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपने नहीं बतानी लीस्ट काउंट की, उसके ऊपर प्रिंटेड होता है वर्नियर कैलिपर के ऊपर। जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आप लोग यूज़ करेंगे मेड इन जापान मिटोटोयो कंपनी के, उनकी जो लीस्ट काउंट है सबकी वो है 0.05 मिलीमीटर और उनके ऊपर प्रिंट है। उनकी जो मिनिमम वैल्यू एट द मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, जो मिनिमम वैल्यू है मेन स्केल पे वो 1 मिलीमीटर है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, तमाम लाइनों की तादाद वर्नियर स्केल पे। कुछ स्टूडेंट उसके ऊपर लिखी हुई काउंटिंग को काउंट करना शुरू कर देते हैं, नहीं, उसके ऊपर जितनी भी लाइनों की तादाद बात हो रही है फार्मूले में ही मेंशन है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स वो उसकी 20 है, 1/20 लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर। ये जो आप लोग वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे अपने वर्क पीस के ऊपर उसकी लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो आप मार्केट से जो भी मैक्सिमम टूल्स वगैरह परचेज करें उनके जो साइजेस वगैरह होते हैं वो उसके ऊपर मेंशन होते हैं। बात हो रही थी साइज ऑफ लेथ मशीन, तो अगर आप लेथ मशीन पे वर्क करने के लिए आए हैं तो उसके जो साइजेस हैं वो इन दो बातों पे डिपेंड करते हैं, नंबर वन स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लेथ मशीन। स्विंग क्या चीज होती है, स्विंग जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा था जी चक्की किस लिए यूज होती है, तो चक्की वर्क पीस को चक के अंदर टाइट करने के लिए यूज होती है। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द जॉब, वो मैक्सिमम डायमीटर जो आप सेंटर लेथ मशीन के ऊपर रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, उस मैक्सिमम डायमीटर कितना हो वो हमारे पास होता है 8 इंच। अगर आप उसमें फर्ज करें कोई स्टूडेंट ले आए मेरे पास, आप केमिकल ए केमिकल बी की क्लासेस हैं, आपको शायद नहीं इलम, आप लोगों के मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट होंगे आपके फाइनल सेमेस्टर तक, जो आपका 8वां सेमेस्टर होगा वहां तक आपके जो फाइनल सेमेस्टर तक आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो आप लोगों को कभी हमारी मशीन लैब की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, कभी फिटिंग एंड फैब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और कभी आपको वुड लैब की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी दफ़ा आपने 8वें सेमेस्टर में, आप कब के हमसे पढ़ के चले गए होंगे, स्टूडेंट आते रहते हैं इस, ये तकरीबन कोई 3 हफ्ते पहले भी आए हुए थे, इनका साइकोमोटर वीक था मेरे ख्याल में 5वें सेमेस्टर का और 3rd सेमेस्टर का और 5th सेमेस्टर का, ये लोग भी आए हुए हैं। सर वो हम आपसे पढ़ के गए थे, ये थोड़ी सी मशीनिंग कर दें,
वो ये लोग कोई ना कोई काम निकलता रहता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो हमारे पास कई दफा स्टूडेंट बड़ा वर्क पीस ले आते हैं, हम उनको कहते हैं ये हमारे पास जो है हमारा यूनिवर्सल चेक इसको होल्ड नहीं कर सकता। इसी तरह जो हमारे पास है स्विंग, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज स्विंग, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ जॉब दैट कैन स्विंग ऑन इट विदाउट टचिंग बेड वेज। वर्क पीस का वो साइज डायमीटर, उसका मैक्सिमम कतर जो आप का मशीन के पार्ट्स के साथ बगैर टच हुए रोटेट करे, वो स्विंग होती है सेंटर लेथ मशीन की, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लेथ मशीन, सेंटर कौन से हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, टू रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कॉल्ड सेंटर। नंबर वन सेंटर आपका हेड स्टॉक सेंटर, जिसके आगे आपका यूनिवर्सल चक फिक्स होता है, और राइट साइड पे आपका टेल स्टॉक सेंटर, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो आप मैक्सिमम वर्कपीस होल्ड कर सकें वही आपकी मशीन का साइज है। और जो हमारे पास मशीन है सेंटर लेथ मशीन, इसमें मैंने आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करती है, स्विंग है इसकी 8 इंच, मैक्सिमम आप 8 इंच डायमीटर तक का वर्कपीस होल्ड कर सकते हैं। और जो लेंथी वर्कपीस है, आप कोई रॉड ले आए, शाफ्ट ले आए हमारे पास, तो वो 4 फीट से ज्यादा ना हो, 4 फुट से ज्यादा ना हो, जहाँ पे जो मैक्सिमम जॉब का डायमीटर है वो 8 इंच है और मैक्सिमम जॉब की लेंथ है वो है 4 फीट। ये है सेंटर लेथ मशीन के साइजेस। जब आप मार्केट से परचेज करने के लिए जाएं, जैसे आप ये ड्रिल बिट परचेज करने के लिए जाएंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन होता है 1/4 इंच, ठीक है। वो सिस्टम आपसे खुद पूछेगा कि आपको मिलीमीटर में चाहिए या आपको इंचेस में चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिस्टम यूज करना है। टाइप्स ऑफ लेथ मशीन्स, हमारे पास 3 टाइप्स की लेथ मशीन्स हैं। नंबर वन इंजन और सेंटर लेथ मशीन, इन स्टार्टिंग इज ड्रिवन बाय स्टीम इंजन सो इट इज कॉल्ड एज इंजन लेथ मशीन, ठीक है। ये वही है जिसकी आपसे पहले पीछे डिस्कशन हो चुकी है, नॉट प्रोडक्शन लेथ मशीन। ये प्रोडक्शन लेथ मशीन नहीं है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं एक जैसे वर्कपीस ले आए ना आप मेरे पास, ये जी हमारे पास 500 वर्कपीसेज हैं, ये इनको बना दे, तो ये उनको हम कहेंगे प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन लेथ मशीन नहीं है। अगर आपने 500 वर्कपीस एक जैसे बनवाने हैं तो फिर आप चले जाएं कैपस्टन एंड टरट लेथ मशीन पे, फाउंड इन स्कूल शॉप्स, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टूल रूम शॉप्स एंड जॉब शॉप्स फॉर सिंगल पीस और शॉर्ट टर्न्स। ये एक आधा वर्कपीस बनाने के लिए यूज होती है, ठीक है। इनकी ऑपरेशन कैसे ऑपरेट होती है, मैनुअली ऑपरेटेड। टाइप्स, नंबर वन बेल ड्रिवन लेथ मशीन, नंबर टू इंडिविजुअल मोटर ड्रिवन लेथ मशीन, नंबर थ्री गियर हेड ड्राइव लेथ मशीन। नंबर वन बेल ड्रिवन लेथ मशीन, किसी के घर में डोंकी पंप लगा हुआ है पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए? यस सर, देखा हुआ है मैंने। देखा हुआ है आपने, ठीक हो गया। तो वो कौन सा ड्रिवन है इन तीनों में से? बेल्ट, वो बेल्ट ड्रिवन है। आप मोटर से पावर डोंकी पंप को कैसे सप्लाई कर रहे हैं? बेल्ट के जरिए। बिल्कुल ठीक है, बेल्ट ड्रिवन लेथ मशीन, ठीक है। इसी तरह टोके की एग्जांपल ले सकते हैं। किसकी? टोके की। जी जी बिल्कुल ठीक है, टोके में भी वो बेल्ट ड्रिवन सिस्टम लगा होता है मेरे ख्याल में। उसका जो वो जिस पार्ट पे ब्लेड लगे होते हैं उसके सरकमफेरेंस के ऊपर बेल्ट लगी होती है ना? यस सर, जो चारा काटता उस पे लगा होता है। हाँ, मोटर के जरिए लगा, वो आपका बेल्ट ड्रिवन सिस्टम है, ठीक है। तो कुछ सेंटर लेथ मशीन्स हमारे पास बेल्ट ड्रिवन लेथ मशीन, कुछ सेंटर लेथ मशीन हमारे पास बेल्ट ड्रिवन लेथ मशीन है। जो पावर ऑफ सोर्स है वो उस दौर की बात छोड़ दे, स्टीम इंजन, ठीक है। हमारे पास जो आजकल पावर ऑफ सोर्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर ट्रांसमिट की जाती है वो मोटर से की जाती है आगे फर्दर उसको ड्राइव करवाने के लिए सेंटर लेथ मशीन के। याद रखिएगा सेंटर लेथ मशीन का सिर्फ एक ही पार्ट ड्राइव करता है, वो होता है चक, जिसको जो रोटेट करता है, जिसके अंदर आपका वर्क पीस होल्ड होता है, ठीक है। तो बेल ड्रिवन जो सिस्टम है वो कुछ मशीनों में हमारे पास बेल ड्रिवन सिस्टम लगा हुआ है, मोटर के मोटर से आगे जो फर्दर सप्लाई है यूनिवर्सल चक के स्पिंडल को विद द हेल्प ऑफ बेल्ट्स है, ठीक है। बी पार्ट को छोड़ दें फिलहाल। सी है गियर हेड ड्राइव सिस्टम। गियर हेड ड्राइव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपके इंजन से जो पावर है या मोटर से जो पावर है वो विद द हेल्प ऑफ गियर सिस्टम, जिस तरह आपके बाइक में सिस्टम है गियर सिस्टम है, ठीक है। जो बेल ड्राइव सिस्टम है ये इतना एफिशिएंट नहीं है। बेल ड्राइव सिस्टम में आगे अगर फोर्स ज्यादा लगाएं तो आपने कई दफा देखा होगा डोंकी पंप के ऊपर बेल्ट जो है वो स्लिप कर जाते हैं। देखा आपने कभी जो उसका बेल्ट होता है वो उसका बेल्ट स्लिप कर जाता है, ठीक है। उसमें जो आपकी पावर है वो 100% ट्रांसमिट नहीं होती। जो गियर हेड ड्राइव सिस्टम है इसकी जो एक्यूरेसी है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। इसमें जो पावर है वो आपकी 99%
आपकी परफेक्ट जो होती है वो सप्लाई होती है। बी पार्ट पे है इंडिविजुअल मोटर ड्रिवन लेथ मशीन। आप में से किसी ने ये क्या कहते हैं इसको, लोकोमोटिव शॉप, रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा आपने विजिट किया? किसी स्टूडेंट ने अगर विजिट किया हो तो? नो सर। इंडिविजुअल मोटर ड्रिवन लेथ मशीन्स, इसमें पता क्या होता है, इसमें पीछे एक 5 हॉर्स पावर की मोटर लगा देते हैं, ठीक है, होता है ये बेल ड्राइव सिस्टम ही है, इंडिविजुअल मोटर, ठीक है, इसमें एक 5 हॉर्स पावर के पीछे मोटर लगा देते हैं, इसके साथ एक तकरीबन 30-40 फुट की जो शाफ्ट होती है वो लगा देते हैं, ठीक है, इसके आगे फर्दर जो है सेंट्रल लेथ मशीन्स पड़ी होती हैं, आपने जिसको ऑपरेट करवाना है जो जो बेल्ट है वो इस शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है, चाहे आगे एक लेथ मशीन चल रही हो पीछे आपकी 5 हॉर्स पावर की मोटर होगी, चाहे आगे 10 मशीनें चल रही हों पीछे 5 हॉर्स पावर की, ये जो है ये सिस्टम पाकिस्तान रेलवे में यूज हो रहा है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन है, ये जो हमारे पास लेथ मशीन है, दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा रिपीट, इंडिविजुअल मोटर ड्रिवन सिस्टम, ठीक है, इसमें ये है कि पीछे एक बड़ी मोटर लगा देते हैं, ये पाकिस्तान रेलवे की जो लोकोमोटिव वर्कशॉप है मशीन शॉप वहां पे जो फिटिंग फिट है ये सिस्टम, पीछे 5-10 हॉर्स पावर की बड़ी मोटर लगा देते हैं, उसके साथ आगे जो शाफ्ट है ना मोटर की, शाफ्ट के साथ कपलिंग कर देते हैं, ठीक है, शाफ्ट जो है वो रोटेट हो रही होती है, ठीक है, आगे डिफरेंट टाइप्स की लेथ मशीन्स पड़ी हुई हैं, जिस लेथ मशीन को आपने रोटेट करवाना है उसका जो बेल्ट है वो उसके साथ क्लच लीवर लगा होता है, उसका जो बेल्ट है वो आप उस शाफ्ट के ऊपर, ठीक है, चढ़ा लें, वो लेथ मशीन आपकी चलना शुरू हो जाएगी। ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान रेलवे में लगा हुआ है, ये बहुत पुराना ओल्डेस्ट सिस्टम है ये भी, इसमें ये होता है आगे अगर आपने एक भी लेथ मशीन चला रही हो ना पीछे आपको 5-10 हॉर्स पावर की मोटर जो है वो चलानी पड़ेगी, चाहे आगे आप काम जो है वो 1/2 हॉर्स पावर की मोटर वाला कर रहे हो। तो सर इससे फिर मशीन को कुछ अफेक्ट नहीं होगा? मशीन को क्या अफेक्ट होगा कि सर जैसे देखें अब अगर एक चला रहे हैं तो 5 हॉर्स पावर की मतलब उससे पावर मिल रही है, और अगर अगर हम ज्यादा लगाते हैं जैसे हम 5-10 लगा देते हैं तो वो स्पीड थोड़ी सी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वहाँ पे ना बेल ड्राइव सिस्टम होता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की पुलीज होती हैं, छोटी बड़ी उससे बड़ी, ठीक है, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह की ना 4-5 पुलियाँ लगी होती हैं, ये हमारे पास भी यही सिस्टम लगा हुआ है कुछ मशीनों में, ठीक है, ये जब आएंगे आप यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा, मैं आपको उसकी पिक्चर भी अभी सेंड कर देता हूँ, आप बेल ड्राइव को ना जिस पुली के ऊपर लगाएंगे आप, आपको जो स्पीड रिक्वायर है, यही हम उस बात पे आने लगे हैं, मेटल आपने जो यहाँ पे वर्क पीस का जो मेटल है वो है आप लोगों का माइल्ड स्टील, जो हमारा वर्क पीस का रॉ मटेरियल वो है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए जो रिकमेंडेड स्पीड है सेंट्रल लेथ मशीन के RPM वो है 282-320 RPM, तो हमारे पास जो मशीनों को हमने एडजस्ट किया हुआ है वो 310 पे किया हुआ है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट के सर इसको 280 पे एडजस्ट कर दे तो थोड़ा सा उसके साथ ना चेंजिंग करनी पड़ती है बेल्ट की, ठीक है, ये 280 पे भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह उन मशीनों के साथ डिफरेंट टाइप्स की पुलियाँ लगी होती हैं, जो आपको रिक्वायर RPM है आपके वर्क पीस के अकॉर्डिंग, वहाँ पे ज़्यादातर जो काम है वो माइल्ड स्टील पे और उस पे होता है एलुमिनियम पे, ठीक है, तो आपको जो स्पीड चाहिए होती है उस पुली के ऊपर आप वो बेल्ट चढ़ा देते हैं, तो आपको आपका चक वही स्पीड से घूमेगा जो आप कहेंगे, ये नहीं है पीछे जोन सी जितनी मर्जी हैवी मोटर लगी हो, हमारे पास जो सेंटर लेथ मशीन की है वो फीड सिलेक्टिंग लीवर, ये देखना आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे सामने है फीड सिलेक्टिंग लीवर, इसमें सबसे पहला जो आपके पास ग्रेड है वो है 50 RPM, नंबर 2 125 RPM, नंबर 3 250 RPM, नंबर 4 480 RPM, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेन है, आप पीछे से इसकी बेल्ट ड्राइव सिस्टम चेंज करें तो इसकी जो पहली स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 310 RPM, 460 RPM, 800 RPM, 1250 RPM और 600 RPM, ये हमारे पास स्टेट्स हैं, ये तभी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा जब आप सेंट्रल मशीन में फिजिकल यहाँ पे अपीयर होंगे, फिर हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें सेंट्रल लेथ मशीन के पार्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट साइड पे सेंट्रल लेथ मशीन के, ये आपको जो है इसके फ्रंट पे आपने खड़े होकर काम करना है, आपकी लेफ्ट साइड पे जो जितना पार्ट आपको नजर आ रहा है वो है हेड स्ट्रॉक, हेड स्ट्रॉक में ये आपका जो होता है यूनिवर्सल चक फिक्स होता है हेड स्ट्रॉक की शाफ्ट के ऊपर, उसके सॉरी स्पिंडल के ऊपर,
और आपके राइट साइड पे जो है वो है टेल स्टॉक, लेंथी वर्क पीस को सपोर्ट देने के लिए होता है। टेल स्टॉक जो है ये आल्सो यूज होता है उसके लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, ये आपने भी देखा है, ड्रिलिंग भी कर सकते हैं आप किसी वर्क पीस में होल करने के लिए, रीमिंग वर्क पीस पे होल को इनलार्ज करने के लिए। औरंगजेब बात सुनो, औरंगजेब अच्छा, इनलार्ज करने के लिए। और इसके अलावा टैपिंग एक प्रोसेस है, इंटरनल थ्रेडिंग, इंटरनल थ्रेडिंग का प्रोसेस भी आप विद द हेल्प ऑफ टेल स्टॉक कर सकते हैं। जो फाइव मेन पार्ट्स हैं वाइवा में अक्सर पूछा जाते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन या मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल लेथ मशीन, मेन पार्ट्स है नंबर वन हेड स्ट्रॉक, नंबर टू टेल स्ट्रॉक। ये जो हेड स्ट्रॉक और टेल स्ट्रॉक बिटवीन है सेंटर वाला पार्ट, ये सारा पार्ट इसको हम कहते हैं कैरिज। नंबर फोर बेड, जिसके ऊपर ये जो टेल स्ट्रॉक है ये इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये मूव करता है, कैरिज है इसकी मोशन है, ये लेफ्ट राइट मूव करता है, ठीक है। इसके बाद जो इसके फर्दर पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं, लीड स्क्रू है, ठीक है, फीड शाफ्ट है, फीड शाफ्ट आप थ्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर, ये जो कैरिज का ऊपर वाला पोर्शन है जिस उसको हम आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, कैरिज के ऊपर, कैरिज को क्या कहते हैं असल में, कैरिज को, कैरिज के दो नेम है, कैरिज और सैडल। सैडल किसको कहते हैं भला, इसको किस, जीन को, बिल्कुल ठीक है, उसको कहते हैं घोड़े के ऊपर जो होती है काठी, ठीक है, जी बंदा बैठता है इसके ऊपर, आपने क्या बिठा हुआ है टूल पोस्ट, इसके ऊपर आपका कटिंग टूल बैठता है। यस सर, वही कह रहा हूँ ना, आगे पीछे भी ये मूव हो पता होगा फिर। जी जी बिल्कुल ठीक है, आपको ये स्क्रीन पे माउस एरो शो हो रहा है, जी जी सर, ये जो व्हील है जिसको मैं, इससे आप वर्क पीस के ऊपर फेसिंग ऑपरेशन करेंगे। जब आप इस व्हील को रोटेट करेंगे, ठीक है, इस व्हील को हम कहते हैं क्रॉस फीड व्हील, क्रॉस फीड व्हील को जब आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज, जो आपका टूल पोस्ट है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ वर्कपीस मूव करेगा, आपके वर्कपीस की लेंथ कम होगी, ठीक है। अब इसके नीचे ये लीड स्क्रू के साथ लेफ्ट साइड पे एक बड़ा सा व्हील है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीड व्हील। जब आप इसको रोटेट करवाएंगे, ये जब रोटेट करेगा व्हील, तो कटिंग टूल जो है वो वर्कपीस के पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्कपीस मेटल रिमूव करेगा, इससे आपके वर्कपीस का डायमीटर कम होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ तीन व्हील लगे हुए हैं इसके ऊपर, नंबर वन ये क्रॉस फीड व्हील, नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल फीड व्हील, नंबर थ्री ये जो व्हील है कंपाउंड रेस्ट के साथ, ये व्हील आपने सिर्फ एक दफा यूज करना है पूरे ऑपरेशन में, जब आपने अपने वर्क पीस के ऊपर स्लोप बनानी है, आपने वर्क पीस के ऊपर टेपर बनानी है, एक साइड का रॉड है, एक साइड का डायमीटर 22 है, दूसरी साइड का जो डायमीटर है वो 16 है, आपने उसको इंक्लाइंड बनाना है। इंक्लाइंड बनाने के लिए फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो व्हील है ये व्हील यूज करना पड़ता है, और ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है कंपाउंड रेस्ट, इसको फिर आपने कैलकुलेट करना है टेपर एंगल, वो आपने इस पे एडजस्ट करना है कंपाउंड रेस्ट के नीचे। ये जो आपको स्लॉट नजर आ रही है इसके अंदर नट लगा हुआ है, आपने इसको लूज करना है, जिस भी एंगल पे आपने कंपाउंड रेस्ट को एडजस्ट करना है, हम 5 डिग्री पे एडजस्ट करवाते हैं, तो आपके वर्क पीस के ऊपर ऑटोमेटिकली स्लोप बनती है, ठीक है। उसके बाद ये एक लीवर नजर आ रहा है सर जी, इसको कहते हैं हाफ नट लीवर। जी जी सर, जिस तरह आपने बताया कि इसके अंदर जो हमने वो मटेरियल यूज करना है उसकी मैक्सिमम लेंथ 4 फीट होनी चाहिए, जी जी, जो हमारा यूनि में पड़ा है सर, इस तरह मैक्सिमम के साथ साथ इसकी मिनिमम लिमिट भी है? नहीं, मिनिमम जो लिमिट है, मिनिमम तो आप इसमें 1 इंच तक का वर्क पीस होल्ड कर सकते हैं, 1/2 इंच तक का वर्क पीस के ऊपर मशीनिंग कर सकते हैं। ओके सर, हाँ जी, मैक्सिमम की ऑप्शन है, मिनिमम तो मिनिमम आपने ये देखा है ड्रिल चक, जो ड्रिल मशीन के आगे लगा होता है, यस सर, इसको फर्ज करें आधा काट लें आप, हाफ कर लें इसको, ठीक है, तो आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चक से, यूनिवर्सल चक से बाहर कितना वर्क पीस रखेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है, आप 2 मिलीमीटर बाहर रख लें, ड्रिल कर देगा कि नहीं, कि वो नहीं करेगा पार्ट 2 मिलीमीटर, अगर आप उसको ड्रिल चक से बाहर रखें, ड्रिल तो वो फिर भी दीवार में कर देगा कि नहीं करेगा? कर देगा सर जी, तो 2 मिलीमीटर हुआ ना ड्रिल की लेंथ, तो इसी तरह जो आप कह रहे हैं ना मिनिमम जो आपकी लेंथ, वो आप पे डिपेंड करती है, अगर आपने 1/2 इंच सिर्फ डायमीटर रिमूव करना है तो 1/2 इंच
पार्ट को आप यूनिवर्सल चक से बाहर रखें, ये एक लीवर है नीचे, इसको कहते हैं हाफ नट लीवर। हाफ नट लीवर आपने थ्रेडिंग के लिए यूज करना है, जब आपने वर्क पीस के ऊपर थ्रेड्स बनाने हैं जिनको चूड़ियां कहते हैं, लाइक ए बोल्ट बनाने हैं आपने वर्क पीस के ऊपर, बोल्ट की शेप देनी है, उसके लिए आपने ये यूज करना है। इसके 24 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको ये इसकी क्लियर पिक्चर जिसमें 24 पार्ट्स मेंशन है वो भी मैं आपके क्लास ग्रुप में अभी व्हाट्सअप कर देता हूँ। कंपाउंड रेस्ट बता दें एक दफा काइंडली। कंपाउंड रेस्ट ठीक है जी।